तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, और आपको एक बार ऑब्जर्व हो गया कि वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है। तो वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है? तीन तरह से, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन हैं जिनमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन उन तीनों में किधर की तरफ प्रोसीड करता है। तो हमें सब मिला जुला के जो क्वाड्रेटिक है उसे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। उसके बाद हमें नज़र आता है कि हम ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले की तरफ प्रोसीड करेगा। तो देखिए, इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन। और आप इतना ऑब्जर्व करिए तो ये क्या है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन, और प्लस वन है, चाहे वन का कोई भी पावर लिखिए वो वन ही होता है, मुझे यहाँ स्क्वायर की जरूरत है। तो ये किस फॉर्म से मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। लेकिन एक्स की यहाँ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो एक्स का वन और वन का जीरो, तो ये हो जाएगा वन डी एक्स, या डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट कुड बी रिटेन एज ए वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास फॉर्म से मैच कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, जहाँ ए आपका वन है ना। अब क्या लिख देंगे हम लोग, लॉग ऑफ ए टी मतलब प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर टी है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, और प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब टी आपका तो डमी वेरिएबल है, तो टी के टर्म में आप आंसर दोगे नहीं, टी की जगह पे हम क्या रख दें, एक्स प्लस वन। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यही वाली क्वाड्रेटिक आएगी जो आप यहाँ पे मैनेज किए थे है ना। तो चाहे तो हम ये वैल्यू रखें या फिर यही क्वाड्रेटिक लिख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।